गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा, आपका सोशल स्टडी का टीचर, आज आपके सामने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इसके पहले कि हम लोग इस टॉपिक के अर्थ पे बात करें, शुरुआत पहले हम सोलर सिस्टम से करें। स्टूडेंट्स, व्हेन यू लुक एट द स्काई इन द नाइट, यू सी अ नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स, नंबर ऑफ हेवनली बॉडीज विच आर ट्विंकलिंग इन द नाइट्स। जब आप रात में कभी भी बारिश नहीं होने वाली होती है, साफ मौसम में छत से खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे होते हैं, तो आपको ऊपर टिमटिमाते हुए हजारों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं। बचपन से हम लोगों ने अपने घरों में अपने दादियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से तारों के विषय में हमने हमेशा सुना है, पढ़ा है, और जो भी छोटी मोटी जानकारियां हमको मिलती रहती हैं। छोटे बच्चे तारों के लिए पोयम्स भी गाते हैं। आज साइंटिफिकली इस सब्जेक्ट पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी जो काफी महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो एस्ट्रोनॉम्स और जियोलॉजिस्ट अंतरिक्ष के जो बारे में जानकारी लेने वाले थे एस्ट्रोनॉम्स, उन्होंने शोध किया, रिसर्च किए, और बहुत लंबे रिसर्च के बाद उन्होंने बताया स्पेस वास्टलेस है। अलग अलग धर्म ग्रंथों के हिसाब से, कुछ एपिक्स के हिसाब से भी हमको जानकारी मिल जाती है। इसके बाद इन वैज्ञानिकों ने एक दावा पेश किया कि अंतरिक्ष जो है वह लिमिटलेस है, वास्ट है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और एक्चुअली हमें दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि हम पृथ्वी से जब देखते हैं तो हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है। समटाइम यू सी इट्स जस्ट काइंड ऑफ डार्क, कलरलेस है। ऐसे में हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है, आखिर ये अंतरिक्ष, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बना कैसे? बहुत सारे ऐसे आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडी, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टार्स में, तारे, प्लैनेट्स, ग्रह, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सभी आकाशीय पिंड जो हमारे आकाश में पाए जाते हैं, यूनिवर्स में पाए जाते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसको जानना कि आखिर यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, अगर हम इसको थोड़ा अपने सामान्य तरीके समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली किसी भी साइंटिस्ट के पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर यूनिवर्स बना कैसे। किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कोई पुख्ता दावा नहीं कर पाया आज तक भी नहीं कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। ये सब एक केवल थ्योरी है, एक थ्योरी पे बेस्ड बातें हैं जिनको हम लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी।
बिग बैंग का अर्थ है एक महाविस्फोट। ऐसा अंतरिक्ष पे शोध करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है आज के करीब 13 करोड़ वर्ष पहले 3.7 बिलियन ईयर एगो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट, बिग बैंग। और उस विस्फोट से हमारे यूनिवर्स की रचना होती है, उसका निर्माण होता है। ये जो बिग बैंग है वह बहुत महत्वपूर्ण था। थ्योरी के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग लॉजिक दिए। ये लॉजिक कुछ हद तक कुछ बातों में प्रूफ भी हुए। इस महाविस्फोट में हमारे ब्रह्मांड को एक नई संरचना प्रदान की। ऐसे में हमारा ब्रह्मांड यानी हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करना शुरू करता है। तो वास्टलेस ब्रह्मांड यानी वास्टलेस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास उसका एक छोटा सा समूह है जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। ये गैलेक्सी वह तारों का समूह है, करोड़ों अरबों तारों का समूह होता है जिसमें बहुत सारे गैसेस डस्ट पाए जाते हैं। आकाश में बहुत सारे ऐसे पिंड हैं, बहुत सारे ऐसी हेवनली बॉडीज हैं जो फ्रीली घूमते रहते हैं, इनका एक समूह बन जाता है। इसी हेवनली बॉडी में जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, तारों की अपनी एक अपना समूह होता है। इस अपने समूह में उनकी खासियत क्या होती है कि तारे स्वयं गैसों के संलयन से चमकते रहते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इवन आने वाले आगे टॉपिक में आपको बताऊंगा मैं कि आखिर हमको यानी हमारी अर्थ पे जो हीट और लाइट पहुंचती है वो एक्चुअली स्टार्स के वजह से है। उसमें ब्रीफ डिफाइन करेंगे हम उस टॉपिक पे। तो हम ऐसे में आज समझ सकते हैं कि यूनिवर्स में जो गैलेक्सी होती है वह ग्रुप ऑफ बिलियन स्टार्स है, करोड़ों तारों का समूह है। और ये गैलेक्सी में बहुत सारे मिल्की वे आते हैं। हमारी गैलेक्सी या कह सकते हैं हमारा जो जिसमें हमारा ग्रह है, हमारे ग्रहों का एक परिवार है, वो है मिल्की वे। मिल्की वे या फिर उसे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा जो इसमें शब्द है गंगा, वह इस बात का द्योतक है कि यह एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे उपग्रह और एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स का समूह है। और इसका अपना मुखिया एक तारा है जिसका नाम सूरज है। आकाशगंगा मिल्की। अब हम आने वाले टॉपिक में मिल्की वे आकाशगंगा को डिफाइन करेंगे और बताएंगे इनमें से कैसे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ और हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह किस ऑर्डर में आते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे है, कितनी दूरी पे है और वे किस प्रकार से सूरज से लाभान्वित होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।